हम एक गैप डाउन के साथ खुले और उसके बाद हमने देखा कि वो गैप जो था, जो एक प्रेशर था बाजार पर, वो एक सस्टेन देखने को मिला। बड़े रीजंस उसके वजह से थे। मंडे को हमने मर्जर के बाद देखा, जिस तरह से HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, इनमें एक तेजी देखने को मिली थी, उन्हीं ने प्रेशर बनाया। नहीं, HDFC बैंक आज वीक था, रीबैलेंसिंग का एक रीजन था। पूरे बैंकिंग स्टॉक्स आज आपको वीक दिखाई दे और उन्होंने प्रेशर बजाया जिसकी वजह से बाजार को नीचे ड्रैग करे। लेकिन कुछ स्पेसेस थे जिसमें क्लियरली आपको वन साइडेड मूव दिखे और वो थे, उनमें से थे पावर, ऑयल एंड गैस स्पेसेस। पावर स्पेस को अगर आप देखें, क्योंकि गर्मी का जो एक बड़ा ट्रिगर है कि 122 साल में पहली ये रिकॉर्ड तोड़ गर्मी होगी इस साल, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड हाई होगी, पूरा पावर स्पेस बजिंग है। प्लस यहाँ पॉलिसी रिफॉर्म्स एंटिसिपेट किए जा रहे हैं, जिसके चलते आप टाटा पावर, अदानी पावर, NTPC, पावर ग्रिड, सारी पावर ट्रांसमिशन हो, जनरेशन हो, एक्सचेंजेस हो, कमिश्निंग हो, इन सभी स्टॉक्स में आपको तेजी देखने को मिली। इसके अलावा गैस स्टॉक्स आपको तेज दिखाई दिए, कोल इंडिया आपको तेज दिखाई दिया, क्योंकि कोल की डिमांड जाहिर तौर पर बढ़ेगी। तो कमोडिटी प्राइजेस के चलते आपने मेटल स्टॉक्स, एल्यूमिनियम के काउंटर्स, यानी वेदांता, नेशनल एल्यूमिनियम, वहाँ पर भी एक तेजी देखी। मेटल स्टॉक्स आज फिर से रीबाउंड करते हुए दिखाई दिए। तो ये कुछ स्पेसेस है जहाँ पर आपको क्लियरली एक्शन देखने को मिला। FNO स्पेस में भी आप बात करें, निफ्टी के आपके टॉप गेनर्स की बात करें, तो उसमें NTPC, कोल इंडिया जैसे काउंटर्स थे। कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स आपको फर्टिलाइजर स्पेस से, जैसे UPL, निफ्टी काउंटर्स में आज फिर से आपको बाउंस बैक करते हुए दिखाई दिए। FNO स्पेस में आपको ओपन अप थीम के काउंटर्स, जैसे कि आदित्य बिरला फैशन वीक हो, या आदित्य बिरला का स्टॉक हो, या फिर स्टॉक्स लाइक डेल्टा कॉर्प हो, यहाँ पर आपको फिर से एक तेजी देखने को मिली। तो ओवरऑल आपको बहुत स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दिखा, सेक्टर स्पेसिफिक इनफैक्ट एक्शन दिखाई दिया। IT थोड़ा सा आज प्रेशर में जरूर रहा, लेकिन मिड कैप IT में एक फिर से एक रीबाउंड की एक्सपेक्टेशन है, एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। और 17,800 जो एक बड़ा सपोर्ट है, उसके पास ही बाजार बंद हुआ है, इसे कंसोलिडेशन की तरह मार्केट देख रही है, एक्सपर्ट्स देख रहे हैं, और फिर से वी शुड बी इन फॉर अनदर टेक्निकल बाउंस, इस तरह का व्यू मार्केट्स पर एक्सपोर्ट्स का बन रहा है। तो और आज ये 17,800 एक बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास बाजार बंद हुआ। चलिए, हीलियस इंडिया के CEO डिनशो ईरानी ने हमसे खास बातचीत में कहा कि अब भी बाजार में सावधान रहने की ज़रूरत है। उनके मुताबिक ग्रीन एनर्जी से जुड़ी कंपनियों में निवेश के बेहतर मौके हैं। एक्चुअली जो हमने जो एक्यूमुलेट किया है वो तो कर लिया, पर अभी हमें लग रहा है कि थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए बाजार में, और हम भी वही कर रहे हैं, हम भी थोड़ी सावधानी बरत रहे हैं, क्योंकि अभी ये साल जो आउटलायर इवेंट्स होते हैं, जो आपके बड़े कम होते हैं पर फिर भी जो आके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो इस बार बहुत ज्यादा हो गए। जैसे स्टैटिस्टिक्स में उसको बोलते हैं लेप्टोक्रेटिक कर्व बोलते हैं, जिसमें टेल्स जो होती है बड़ी मोटी होती है, मतलब उसमें इवेंट्स जो होते हैं आउटलायर इवेंट्स, वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो अभी ये बहुत ज्यादा हो रहे हैं साल में, इसलिए अभी हमें ऐसा लगा। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं या जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके डिसीजन लेने का प्रोसेस थोड़ा थम जाता है, थोड़ा हल्का हो जाता है, थोड़ा क्वेश्चन में आने लगता है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि अभी थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये जो इवेंट्स है वो आसानी से भी नहीं जा रहे हैं। मतलब आप जैसे यूक्रेन की वॉर की बात की बात है, वो ठीक है, सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये होगा कि वॉर थम जाए, अभी आज ही बंद हो जाए, पर अभी वो भी होने के बावजूद सैंक्शन तो जाने वाले हैं नहीं रशिया पे, क्योंकि पूरी दुनिया बड़ी खफा है उनसे, तो वो सैंक्शन आसानी से जाएंगे नहीं। वो नहीं हुआ तो आपकी कमोडिटी प्राइसेस इन्फ्लेटेड ही रहेंगी, और वो भी एनर्जी ड्रिवन कमोडिटीज है, जो सीधा इकोनॉमी को इम्पैक्ट करती है, सीधा कंज्यूमर को इम्पैक्ट करती है। चलिए, HDFC एसेट के प्रशांत जैन के मुताबिक परंपरागत ऊर्जा में कम निवेश और सप्लाई की दिक्कतों से एनर्जी प्राइस में काफी बढ़ोतरी हुई है, भारत को अपनी थर्मल कैपेसिटी बढ़ाने पर जोर देना होगा। ये सुन लेते हैं उनकी बात को। The world is probably realizing that ESG has impacted supply side more than it has impacted demand. The underinvestment in conventional energy over last 5-10 years is likely to lead to higher energy prices. And of course, what is happening in Ukraine, I think will also encourage countries to onshore the, you know, key building blocks of the economy, whether it is, and energy is clearly one of them. So I think to ensure security of supply, I think countries would prefer to have local sources of energy, whatever these be. And these stocks are so cheap. I mean, the dividend yields were more than or are close to even bond yields.
So I think even if cost of capital goes up marginally, I think there is still quite a bit of room for these stocks to be before they are fairly valued. And I also feel finally that, I mean, you must have observed what is happening on the power exchanges. The power prices are extremely high and there is not enough supply. India has not added conventional power plants for maybe close to 10 years and demand continues to grow. So I think sooner than later, I think India will also consider adding more thermal capacity. चलिए, केसी इंटरनेशनल के एमडी और सीईओ विमल केजरीवाल ने हमसे खास बातचीत में कहा कि एफआई 23 में मार्जिन में धीरे धीरे सुधार दिखेगा. उनकी बात सुन लेते हैं. हमारा जो ऑर्डर इंटेक है खासकर सिविल और रेलवे में प्लस ट्रांसमिशन में काफी हद तक उसमें प्राइस वेरिएशन क्लॉज होता है तो उसमें कस्टमर को पास ऑन हो जाता है मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स में. अब क्या है कि प्राइस वेरिएशन में इंडाइसेस एग्जैक्टली मूव होती है नहीं होती है तो कुछ में कम होती है कुछ में ज्यादा होती है तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आगे पीछे रहता है. फिक्स प्राइस ऑर्डर्स में कुछ इम्पैक्ट रहेगा ही रहेगा. तो हमारे हिसाब से FY22 मैं बोल नहीं पाऊंगा. FY23 में धीरे धीरे जो है मेरे हिसाब से पुराने ऑर्डर्स अब खत्म होते जाएंगे और नए ऑर्डर्स का एग्जीक्यूशन शुरू हो गया है. जो 17,000 करोड़ जो हमने इस साल के ऑर्डर अनाउंस किए हैं उन सब का एग्जीक्यूशन शुरू हो गया है तो धीरे धीरे मार्जिन पे इम्पैक्ट आएगा पॉजिटिवली. अब Q2 में आएगा कि Q3 में आएगा वो डिपेंड करेगा किस तरह से मेटल प्राइसेस बिहेव करते हैं. वही ब्लू स्टार के एमडी बी त्यागराजन ने हमसे खास बातचीत में कहा कि कमोडिटी के भाव बढ़ने से मार्जिन पर दबाव दिख रहा है. आगे मार्जिन बरकरार रखने के लिए 2-3% कीमतें बढ़ा सकते हैं. बात सुन लेते हैं उनकी. This commodity price hike began even by January 2021. So we had increased the prices in March 2021, again in July 2021, again in October 2021. It's not only the commodity prices, also the ocean freight. Then we had mentioned to your own channel, I mentioned that we will hold the prices till March, review in April. In the normal circumstances, we would have reviewed it by April end. But due to the geopolitical conflict, the commodity prices are up, you know, it is going over the roof. So therefore, with the effect from this week, we have again increased the prices by around 2-3% on certain models. So your obvious question will be how the margin will be impacted. You have seen our Q3 margins. Our intention was to maintain the margins at the same level for Q4. And going forward with this 2-3% price hike, which is being passed on to the consumers, we should be maintaining the margins. And I have always stated that if the commodity prices are going to come down, we will review the prices downwards. So this has become inevitable. At the same time, we had made sure that the products are re-engineered and by introduction of the models meant for entry-level category, I think the products are affordable still. That is why I am not worried about the demand. FPO में निवेशकों को शेयर अलॉट कर दिए गए हैं. डीमैट में शेयर कब तक आएंगे बताने के लिए हमारे साथ विनी मोतीवाला जो गए हैं. विनी बताएं. रुचि सोया शॉली एक स्टॉक है जो फोकस में है. यू नो हमने देखा था कि कल के क्लोजिंग जो 875 रुपीस की थी आज वो ओपन हुआ था सिर्फ 706 रुपीस पे. यू नो ओवरऑल ये एफपीओ की टाइमलाइन की बात करते हैं. नाउ कल हुई थी अलॉटमेंट एफपीओ की अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स 5 अप्रैल को. आज है इनिशिएशन ऑफ रिफंड 6 अप्रैल. कल देखेंगे कि क्रेडिट हो जाएगा ये शेयर सबके डीमैट अकाउंट में. वो है 8 अप्रैल को होगी एफपीओ की लिस्टिंग. नाउ ओवरऑल बोर्ड ने कल अप्रूव किया था 6.61 करोड़ शेयर्स की अलॉटमेंट जो है ऑब्वियसली 4,300 करोड़ रुपीज की जो फंड रेस की वो बात कर रहे थे और जिसकी वजह से एफपीओ हुआ था. और इसकी जो प्राइस बैंड की बात करते हैं ये प्राइस बैंड जो है क्या डिसाइड हुआ था 615-650 रुपीज. इसकी वजह से थोड़ा प्रेशर देखा था हमने स्टॉक में. काफ़ी प्रेशर देखा था आते हुए. आज तो प्रेशर देखा ही था पर रिकवरी हो चुकी है काफ़ी अभी देखे तो स्टॉक में आज के लोस से. ओवरऑल ये जो डाइल्यूशन हो रहा है इक्विटी का वो अराउंड 22% की इक्विटी का डाइल्यूशन हो रहा है. पर शॉली ये एफपीओ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो वॉच आउट करने के फैक्टर के लिए है और रुचि सेवा का स्टॉक शॉली फोकस में भी है. चलिए, IDFC लिमिटेड का म्यूचुअल फंड कारोबार बंधन ग्रुप खरीद सकता है. एक्सक्लूसिव खबर के साथ जुड़ रहे हैं पंकज पोद्दार. पंकज बताएं.
सो हमें हमारे सूत्रों से जैसे हमने कहा है पता चला है कि IDFC म्यूचुअल फंड जो एक AMC का पार्ट है और आधा जो IDFC का AMC बिजनेस है वो एक डाइवेस्टमेंट प्रोसेस में था, ये सितंबर 21 में बोर्ड ने अप्रूव किया था, उसके बाद ये फाइनल लैप में आ गया है और हमारे सूत्रों के अनुसार बंधन ग्रुप और इन्वेस्टको अग्रेसिव थे, उसमें से बंधन ग्रुप ने ज़्यादा करके ज़्यादा अग्रेशन दिखाया है और वो इसके लाइकली कंटेंडर है। 4,550 करोड़ इज़ द डील साइज जो हम पिकअप कर रहे हैं, 1.2 लाख करोड़ का इनका स्पेस है। आज हम ये वापस रिविजिट इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि अक्रॉस द पिंक पेपर्स अक्रॉस वेबसाइट्स वापस से ये स्टोरी आ रही है। हमने आपको ये दो दिन पहले बताया था कि हमारे सूत्रों के अनुसार बंधन ग्रुप अलॉन्ग विद अ कंसोर्टियम इज लुकिंग एट द टॉप कंटेंडर फॉर दिस IDFC बिजनेस और आज ये बहुत सारे पिंक पेपर्स और बहुत सारे वेबसाइट्स पे फॉलो हुआ है। फेड वॉज कॉलिंग इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी shock. The four factors which I mentioned will change the medium and the long-term picture for earnings and for equity as an asset class. I think people intuitively understand that with rising prices, which eventually are going to government has been printing, you know that the currency is going to be devalued, and with devaluation of currencies you have rising prices. And intuitively people realize that in order to save themselves from these rising prices they have to be invested because if you invest in equities and companies that have pricing power that can raise prices in line they're going to be in very good shape. So that's really why you see this continuously rise in indices around the world. Interesting, if you go back 10, 20, 30 years, you can see that there's been a continuous rise, of course, with corrections. That you have rising prices of not only commodities, but also stocks. Are likely to go higher and there is a margin of shock. Isn't there a fear of earnings downgrade getting challenged? And if that is the scenario, which is the obvious scenario looking at where inflation is headed, don't you think that will have an impact on equity in general as an asset class? Yes, it will. Why are they able to raise prices? Well, if they're raising prices, they've got to have consumers. And the reality is that the consumer states right now, you'll see that wages are going up, unemployment is going down. And of course, that means that prices by companies with pricing power. So it's really interesting to realize that at the end of the day, along with the rise of commodities, Mark, do you think India is in a very unique and a special situation? China has got their own set of problems. There are serious challenges in Russia that makes that market uninvestable if you're in foreign allies. Even though expensive, becomes the only choice of preference, and that will ensure that the premium in India or the premium in Indian equities. A unique place. If you just look at the country itself, the population age average is what, 26? Very young population, which means you have very productive and growing demands and factories and companies.
workforce. That's number one. Number two is you've got a government that's bent on reform, on changing the mindset of emphasis on technology by the government is quite a unique thing. It's not many countries in the world. चलिए थे मार्क मोबियस से बात कर रहे थे हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर निकुंज डालमिया से। आगे बात बढ़ते हैं और बात करते हैं पावर सेक्टर की। पावर सेक्टर में मजबूत डिमांड देखने को मिल रही है, सप्लाई को लेकर भी स्थिति में सुधार हुआ है। ऐसे में बढ़ती गर्मी के बीच पावर सेक्टर कितना पावरफुल नजर आ रहा है, डिम्पी हमारे साथ इस पर एक खास रिसर्च लेकर जुड़ गए हैं, सुनते हैं उनकी बात को। डिटेल आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि 122 साल की भीषण गर्मी हो सकती है और इसी के लिए बिल्कुल बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर हो सकता है। पावर कंपनियों को कोयले की सप्लाई में प्राथमिकता मिलेगी। दिक्कत यहाँ पे आती है कि फिर आप कोयल सप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन पावर में कोल की सप्लाई अच्छी हो जाएगी। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए कोल इंडिया की सप्लाई बढ़ जाएगी। 3 महीने के लिए नॉन पावर के लिए कोयले की नीलामी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है ताकि सरकारें सुनिश्चित कर दे कि अगर गर्मी बढ़ रही है, पावर की कंपनीज की दिक्कत आएगी, तो उसको हम कोयले की दिक्कत से जोड़ेंगे नहीं, उसको हम खत्म करेंगे। कोयले की कीमतों में बढ़ने का असर कंपनी पर सीमित है। काफ़ी हद तक उनके मार्जिन भी अगर आप देखेंगे वो भी सीमित ही अप्लाई करते हैं, बिजली वितरण में रहते हैं, उसका निजीकरण में आगे थोड़ा बढ़ना चाहती है। इसके अलावा ट्रांसमिशन का जो घाटा है उसको भी थोड़ा कम करना चाहती है। उसके लिए स्मार्ट मीटर्स की मुहिम पिछले 3 साल से सरकार चला रही है और राज्यों को भी बोला गया कि आप थोड़ा और चौकसी बरतें। मार्च में बिजली की मांग 6 महीने में अब तक सबसे ज़्यादा है। ये सीएलएसी की रिपोर्ट के हवाले से मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ और वो कह रहे हैं कि 122 साल की जो गर्मी बढ़ेगी उसका असर आपको और डिमांड में बढ़ता हुआ दिखेगा। उन्होंने कहा है कि कोल इंडिया पावर कंपनीज की सप्लाई बढ़ाएगा, ये बात बिल्कुल ठीक है जो हमने थोड़ी देर पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताई थी। एनटीपीसी का भी मार्केट शेयर बढ़ा है और आप एनटीपीसी का प्राइस एप्रिसिएशन देख लीजिए, पिछले 4 दिन में बहुत ज़बरदस्त हुआ है। रेगुलेशन का दखल, कीमतें बढ़ना, ये सारी की सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि कहीं ना कहीं बेनिफिट आगे चल के पावर कंपनीज को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए एफएमसीजी दिग्गज एचयूएल ने कुछ प्रोडक्ट्स के दाम 2-8% तक अप्रैल में बढ़ा दिए हैं। डीलर सोर्सेज के मुताबिक एचयूएल ने इस महीने कई प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा दिए हैं। बढ़ती लागत की वजह से कंपनी पिछले 6-7 महीने से लगातार दाम बढ़ा रही है। इस खबर की और डिटेल्स के साथ हमारी सहयोगी कृतिका जुड़ रही हैं। कृतिका बताएं। एफएमसीजी मेजर हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एक बार फिर अपने कुछ प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ा दिए हैं और हमारे डीलर्स के मुताबिक इस बार जो प्राइस इंक्रीज हुआ है वो 2-8% की रेंज में है। तो अप्रैल में कंपनी ने जिन प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ाए हैं वो है पियर्स, डव, रेक्सोना, हमाम सोप और इनफैक्ट सर्फ एक्सल और व्हील पाउडर भी। तो जैसे कि पियर्स 75 ग्राम पैक जो पहले 49 रुपीज़ का था वो 51 रुपीज़ का है। डव 125 ग्राम का बिगर पैक जो पहले 300 का था वो अब 325 रुपीज़ का है। सर्फ एक्सल 800 ग्राम पैक जो पहले 114 का हुआ करता था वो अब 118 रुपीज़ का है। और इसी तरह से व्हील 1 kg पैक जो पहले 63 का हुआ करता था वो अब 65 रुपीज़ का है। तो एचयूएल पिछले 6-7 महीनों से लगातार अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ा रही है और अब तक उसने करीब 25-30% का प्राइस हाइक ले लिया होगा। और ये कंपनी इसलिए कर रही है क्योंकि वो खुद इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स को झेल रही है, जैसे कि पाम ऑयल कॉस्ट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पैकेजिंग कॉस्ट का प्राइस बढ़ा है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ रहा है। और हमारे डीलर्स के मुताबिक हो सकता है आगे आने वाले टाइम में कस्टमर्स को और भी ज़्यादा प्राइस इंक्रीजेस को देखना पड़े। चलिए, मार्च में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बाद अप्रैल में भी गर्मी का कहर बरप रहा है। राजधानी दिल्ली का गर्मी से बुरा हाल है। दिल्ली में चल रही हीट वेव से तापमान और बढ़ेगा। दिल्ली में मारा 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार तक ये 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। स्काईमेट के मेट्रोलॉजी के प्रेसिडेंट जीपी शर्मा के मुताबिक फिलहाल अभी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। गर्मी तो ज़रूर जल्दी भी है और थोड़ा सामान्य से ज़्यादा भी है, क्योंकि मार्च के महीने में ही ये काफ़ी गर्मी देखने को मिल रही थी, शुरू हो गई थी, तो जो कि जल्दी है। जनरली ऐसी वाली कंडीशन जो मार्च में हुई थी इस बार वो अप्रैल के महीने में देखने को मिलती है, तो सामान्य से ज़्यादा गर्म ज़रूर रहा है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी होता है। एक्चुअली मार्च का महीना पहले भी, ज़रूरी नहीं है कि ये एक्सेप्शनल है इस बार, बट हाँ जितनी गर्मी देश भर में पड़ी है या देश के काफ़ी भागों में जिसमें कि मध्यवर्ती भाग और उत्तरी भाग हैं, वो विशेषकर प्रोलॉन्ग्ड जो हीट वेव स्पेल है वो चल रहा है।
चाहे आप महाराष्ट्र की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, गुजरात, राजस्थान समेत पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बात करें, प्रोलॉन्ग हीट वेव कंडीशंस अभी भी चल रही हैं और अभी चलती रहने की संभावना भी है। अगले 10-15 दिन कुछ ऐसा कोई विशेष कोई जिसमें राहत मिल जाए ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये जरूर आप हम कह सकते हैं कि लगभग अनप्रेसिडेंटेड तो है, पहले ऐसा इतना लंबे स्पेल और इतनी जल्दी देखने को नहीं मिले और आने वाले दिनों में इसके और तेज हो जाने की संभावना जरूर रहेगी। मानसून से पहले पहले अप्रैल का महीना कहें जो अभी चल रहा है और उसके बाद मई में भी हमें ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि सामान्य से तापमान काफी ज्यादा बने रहेंगे। चलिए स्वदेश खबर में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देखते रहिए टीना स्वदेश और अपनों का ख्याल रखें।